इस वीडियो में लुलू ग्रुप के बिलियनर ओनर यूसुफ अली अपने एम्प्लॉय को बुलाते हैं और लोगों को दिखाते हैं कि कैसे उनके एम्प्लॉय के पास एक डायमंड की घड़ी है जबकि वो एक नॉर्मल घड़ी पहनते हैं। रियलिटी में अगर वो चाहें तो वो जितने चाहें उतने डायमंड वॉचेस खरीद सकते हैं, पर सवाल ये है कि वो नॉर्मल घड़ी क्यों पहनते हैं। सैम बैंकमैन फीड की इन वीडियोस को देखिए। Does Sam really sleep in the beanbag every day? I think most days he is at least taking some nap in the beanbag. ये बंदा दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक था। सिर्फ 29 की एज में इसकी नेटवर्थ $22 billion थी। ये इतना पैसा है कि इसमें चंडीगढ़, मेघालय, सिक्किम, पौंडीचेरी की कंबाइंड GDP आ जाए। इतना ही नहीं, ये अंडर 30 richest लोगों की लिस्ट में नंबर 1 पे था। इसके बाद भी ये ऐसे बीन बैग में क्यों सोता है, अपने बालों को स्टाइल क्यों नहीं करता, शॉर्ट्स और ढीले टी शर्ट्स में घूमता है और एक छोटे से घर में अपने कुछ रूममेट्स के साथ रहता है। लैम्बोर्गिनी, फरारी ऐसी कोई गाड़ी नहीं है जो ये खरीद नहीं सकता, पर वो एक पुरानी सी टोयोटा करोला ड्राइव करता है। करोड़ों रुपए वो लोगों की भलाई के लिए डोनेट करता है और लोगों को लगता है कि सैम बैंकमैन नए जमाने का रॉबिनहुड है। कई लोग तो सैम को क्रिप्टो वर्ल्ड का माइकल जॉर्डन कहते हैं। लेकिन अगर हम फास्ट फॉरवर्ड 2022 में करें तो सैम बैंकमैन को हथकड़ियों में जेल ले जाया जाता है और इन्हें 115 साल तक की जेल हो सकती है। सैम के साथ कुछ भी हुआ हो, लेकिन ये एक चीज जानते थे कि उनका गरीब दिखना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि वो बाल क्यों नहीं काटते तो इस पर उन्होंने कहा, नहीं मैं बाल नहीं कटवा सकता, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि लोग मुझे क्रेजी समझे। मगर सवाल यह आता है कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला। इन अमीरों को अपना रिच लाइफस्टाइल छोड़ के ऐसा करने की क्या जरूरत है, क्योंकि हमने तो देखा है कि हम जैसे मिडिल क्लास लोग लोन तक ले लेते हैं एक आईफोन खरीदने के लिए ताकि लोग हमें अमीर समझें। तो इसके 3 रीजंस हैं। रीजन नंबर 1, रिलेटेबिलिटी। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इस अमेजिंग एग्जाम्पल को सुनिए। 1970s में अमेरिका में लोग काफी गंदगी फैलाने लगे थे। इसे ठीक करने के लिए अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक बहुत ही इमोशनल एड बनाई। उस एड में एक बस स्टॉप का सीन दिखाया जाता है जिसमें कई लोग बस की वेट कर रहे हैं और वेट करते करते उनमें से कई लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कहीं कॉफी पी रहे हैं और कोई स्मोक कर रहा है। फिर कुछ टाइम के बाद बस आती है और सारे लोग उस बस में चढ़ जाते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि बस स्टॉप में सारा कचरा फेंक कर लोग बस में चढ़े थे। फिर एक अमेरिकन के पोस्टर पर फोकस किया जाता है जहां पर वो रो रहा है। इस एड को बहुत चलाया गया। अमेरिकन गवर्नमेंट को लग रहा था कि लोग इमोशनल होके कचरा फेंकना बंद कर देंगे, लेकिन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ये एक बहुत ही बकवास आइडिया था। उल्टा लोगों ने और कचरा फेंकना स्टार्ट कर दिया। साइकोलॉजी में एक प्रिंसिपल है जिसे कहा जाता है सोशल प्रूफ इन क्राइम्स, यानी जब हम देखते हैं कि हमारे जैसे बहुत से इंसान कुछ कर रहे हैं तो हम भी उसे कॉपी करते हैं, चाहे फिर वो चीज ठीक हो भी या नहीं। इन शॉर्ट प्रिंसिपल ये है कि हम अपने जैसे लोगों से अट्रैक्ट होते हैं। इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। ये शिल्पा शेट्टी का यूट्यूब चैनल है जिसमें ये योगा सिखाती है। शिल्पा एक फेमस पर्सनैलिटी है, अट्रैक्टिव है, योगा भी ठीक सिखाती है, लेकिन इनके चैनल में व्यूज बहुत ही कम है और इसका रीजन है रिलेटेबिलिटी। नॉर्मल हमारे घर की औरतें इनसे रिलेट नहीं करती, उन्हें लगता है कि उनकी तरह नहीं है। और जो फिट ट्यूबर यूट्यूब चैनल है वो नॉर्मल फिटनेस एडवाइस देते हैं, लेकिन उनके हमेशा अच्छे व्यूज आते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वो हमारे जैसे हैं, एक नॉर्मल इंसान। और ये फर्स्ट रीजन है कि मैक्सिमम बिजनेसमैन जो B2C कैटेगरी में है, यानी वो बिजनेसेस जो प्रोडक्ट डायरेक्टली कस्टमर को सामान बेचते हैं, वो हमेशा नॉर्मल लोगों की तरह ड्रेस करना प्रेफर करते हैं ताकि वो रिलेटेबिलिटी हमेशा लगे, जिससे उनका ब्रांड बना रहे और कस्टमर्स उनसे ज्यादा सामान खरीदें। और यही रीजन है कि इवन कई बिलियनर्स बहुत सिंपल तरीके से रहते हैं और इसके लिए वो PR भी करवाते हैं, भले ही उनका इंटेंशन लोगों को स्कैम करना ना हो, लेकिन वो ऐसा करते हैं ताकि लोगों को वो ज्यादा रिलेटेबल लगे, अप्रोचेबल लगे और लोग खुद उनके साथ उनके ब्रांड से रिलेट करें। जैसे कि मार्क जुकरबर्ग की बात करें तो भले ही वो हर वक्त सिर्फ एक ही तरह की ग्रे टी शर्ट पहनते हैं, उनके अकॉर्डिंग वो इसलिए करते हैं ताकि वो अपना टाइम सेव कर सके, वो ज्यादा प्रोडक्टिव रहे, जो कि सच भी है। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा पर्पस भी उनका सॉल्व होता है, वो है कॉमन लोगों की तरह दिखना। अब जस्ट इमेजिन कीजिए कि मार्क जुकरबर्ग अगर हमेशा सूट में रहते तो हमारी उनके लिए फीलिंग थोड़ी डिफरेंट होती। और वैसे ये सिंपल सी दिखने वाली टी-शर्ट्स भी कोई आम टी-शर्ट्स नहीं है। इनकी टी-शर्ट्स इटली के फेमस डिजाइनर ब्रुनेलो कस्टम डिजाइन करते हैं और एक टी-शर्ट की कॉस्ट लाखों में है। इनफैक्ट 210 करोड़ रुपए में उन्होंने अपने घर के पास की सारी प्रॉपर्टीज ले ली, क्योंकि वो नहीं चाहते थे उनके घर के पास कोई भी रहे। अमीर लोगों का नॉर्मल लोगों की तरह कपड़े पहनने का सेकंड रीजन आता है नॉर्मल लाइफस्टाइल एंड बीइंग पार्ट ऑफ ट्राइब। अमन गोयल के साथ मैंने अपने दूसरे चैनल में रिसेंटली पॉडकास्ट किया, जिन्होंने 26 की एज में अपना स्टार्टअप 50 करोड़ में बेचा
तो मैंने उनसे पूछा कि अमीर बनने के बाद क्या वो फील करते हैं कि बाकी लोग जेलिसी फील कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, हाँ, मुझे हर चीज संभल कर बोलनी पड़ती है ताकि किसी को बुरा ना लग जाए। मैं जब भी किसी पार्टी में जाता हूँ तो लोग कहते हैं, देखो अमन अमीर बन गया, लेकिन फिर भी से कोई घमंड नहीं है। लेकिन अमन का इसमें कहना है कि मुझे ये किसी से नहीं सुनना। इन शॉर्ट, अगर आपके पास पैसा आएगा तो लोग आपको जज करने लग जाएंगे, और अगर आपको एक ट्राइब का हिस्सा रहना है, यानी अपने पुराने रिलेशन मेंटेन करके रखने हैं, तो आपको अपना पहनावा और शब्द बहुत सोच समझकर बोलने पड़ेंगे। अमीर लोगों का गरीब दिखने का थर्ड रीजन आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। हाल ही में IIT बॉम्बे को 160 करोड़ का डोनेशन मिला उनके इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज को इंप्रूव करने के लिए। बट सरप्राइजिंगली, जहां 160 करोड़ कमाना ही हम में से कई लोगों का सपना होता है, बट इस डोनर ने इतना बड़ा अमाउंट डोनेट करने के बाद भी खुद का नाम नहीं बताया। इनफैक्ट कई बिलियनर्स ऐसे हैं जिन्हें पब्लिसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही वो न्यूज या सोशल मीडिया में हाईलाइट होते हैं, और एक्चुअल में वो काफी सिंपल और हम्बल होते हैं। जैसे कि हमें से कई लोगों ने कार्लोस स्लिम हिलू का नाम तक नहीं सुना होगा, बट 2007 में उनकी वेल्थ वॉरेन बफेट से ज्यादा थी और बिल गेट्स की ऑलमोस्ट बराबर थी, बट वो न्यूज में कभी नहीं आए क्योंकि वो खुद की प्रोफाइल लो ही रखना चाहते हैं। इसके एग्जैक्ट रीजन को समझने के लिए हमें मैस्लो पिरामिड को समझना पड़ेगा। ये पिरामिड कहता है कि हर इंसान की 5 जरूरतें होती हैं, जिसमें सबसे पहली जरूरत है फिजियोलॉजिकल नीड्स, यानी हमारी बेसिक नीड्स, जिसमें हमें खाना चाहिए, पानी चाहिए और नींद चाहिए। ये एक नॉन नेगोशिएबल नीड्स है, यानी ये तो हम सबको चाहिए ही चाहिए। अगर हम में से किसी की भी ये नीड पूरी नहीं होती तो हम किसी को पैसे डोनेट नहीं करेंगे, किसी की हेल्प नहीं करेंगे। इवन कि अगर ये काफी टाइम तक नीड पूरी नहीं होती तो हम किसी का कत्ल भी कर सकते हैं। जब ये बेसिक जरूरतें हमारी कंप्लीट हो जाती हैं, तब हमें जरूरत पड़ेगी नेक्स्ट सेट ऑफ नीड्स की, जो कि आती है सेफ्टी नीड्स। यानी एक बार हमें खाना, पानी और नींद मिल जाती है तो उसके बाद हमें सेफ्टी चाहिए, यानी हमें पैसे चाहिए कि आगे हम लाइफ में सिक्योर रहेंगे। हमें घर चाहिए ताकि हमें वहां पर सेफ महसूस हो। जब हम सिक्योर फील कर लेते हैं, सिर्फ तभी हम नेक्स्ट लेवल पर आ सकते हैं, जो कि है लव एंड बिलोंगिंग। यानी अब हम चाहते हैं कि हमारे फ्रेंड्स हों, हमारे साथ वाले हमें प्यार करें, हम किसी ग्रुप का हिस्सा हों। जब हमारी ये नीड भी पूरी हो जाती है तो इसके बाद हमें चाहिए एस्टीम, यानी अब स्टेटस गेम चलेगी। हमें साथ वाले लोगों से रिस्पेक्ट चाहिए। कोई इंसान ये नीड आईफोन लेके पूरी करता है तो कोई स्टार्टअप बेचकर, कोई डॉक्टर बनकर और कोई टेररिस्ट बनकर। अगर अभी कोई आपके सर पर गन रख दे तो आप उसकी हर बात मानोगे, यानी एक सेकंड में उसे स्टेटस मिल जाएगा, बेशक ये थोड़ी देर का क्यों ना हो। जब स्टेटस वाली नीड भी हमारी पूरी हो जाती है, लेट्स से कि आपने अभी अभी 50 करोड़ का स्टार्टअप बेच दिया, तो इसके बाद आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इस वक्त हम अपने बेस्ट में होते हैं। अब हम एक्चुअल में किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं, डोनेशन दे सकते हैं या फिर फ्लो स्टेट में जाके अपना बेस्ट काम कर सकते हैं। अब हम किसी नीड के लिए काम नहीं कर रहे, बल्कि हम काम कर रहे हैं क्योंकि हम उस काम से खुद को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि चक फीनी थे, जिन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए, लेकिन उन्होंने सब पैसे डोनेट कर दिए और 20 सालों तक किसी को पता नहीं चला कि इतने हॉस्पिटल्स, इतने स्कूल्स बनवा कौन रहा है। लेकिन रियलिटी ये है कि चक फीनी ने भी कुछ परसेंटेज अपने और अपने फैमिली के लिए रखा था, यानी वो मैस्लो पिरामिड की जो बॉटम 4 नीड्स हैं, वो अपने और अपने फैमिली के लिए पूरा रखना चाहते थे। और क्योंकि वो मैस्लो पिरामिड के सबसे ऊपर वाले स्टेट में थे, इसीलिए उन्होंने खुद को एक्सप्रेस किया डोनेशन देके, क्योंकि वो वैसे ही इंसान थे। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेट में भी इंसान तभी रह पाता है जब तक निचली वाली सारी नीड्स पूरी हो रही हो। अगर इनमें से निचला कोई भी स्टेप टूट जाता है, लेट्स से कि एक करोड़पति रोड पे आ जाता है और वो सबसे पहले अपना खाना ढूंढेगा, ना कि औरों की मदद करेगा। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। ये फोटो है लेट राकेश झुंझुनवाला जी की, जब वो PM मोदी से 2021 में मिले थे। इसमें राकेश जी एक बिना आयरन वाली शर्ट में है। इसको लेके बहुत से लोगों ने टॉन्ट मारना स्टार्ट कर दिया कि देखो प्राइम मिनिस्टर से मिलने जा रहे हैं, लेकिन शर्ट तक प्रेस नहीं करवाई। बट राकेश जी को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने ये तक कह दिया कि व्हाइट टी शर्ट तो क्रम्बल होगी ही, और कपड़े से क्या फर्क पड़ता है, मैं तो कभी कभी शॉर्ट्स पहन के भी अपने ऑफिस चला जाता हूँ। इन शॉर्ट, राकेश जी मैस्लो पिरामिड के अकॉर्डिंग 5th स्टेज पर है, यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेज पर। उनके स्टेज 1 की नीड्स, रोटी कपड़ा मकान, ये सब सेटिस्फाइड है। स्टेज 2 की नीड्स, सिक्योरिटी, वो भी सेटिस्फाइड है। स्टेज 3 की नीड्स, बिलोंगिंग्स, वो भी सेटिस्फाइड है, क्योंकि उनकी बहुत ही प्यारी फैमिली है और साथ में उनके खुद के इन्वेस्टर्स की कम्युनिटी है। उनके स्टेज 4 की स्टेटस की नीड भी सेटिस्फाइड है, क्योंकि वो अपने डोमेन में बेस्ट थे और सब उनको रिस्पेक्ट देते ही हैं। इसलिए जब वो प्राइम मिनिस्टर से मिलने गए तो वो स्टेज 5 में थे और वो चाहते थे कि प्राइम मिनिस्टर उनके आइडिया सुने, और इसीलिए उन्हें शर्ट की कोई परवाह नहीं थी। इन शॉर्ट, हमने इस वीडियो से ह्यूमन साइकोलॉजी के 3 अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में सीखा, जिसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट था सोशल प्रूफ इन ट्राइब्स, यानी कि एक अमीर इंसान अगर नॉर्मल लोगों की तरह दिखेगा तो वो ज्यादा रिलेटेबल लगेगा और लोग उसके साथ ज्यादा कनेक्ट करेंगे।
जिससे ट्रस्ट क्रिएट होगा और फाइनली सेल्स इंक्रीज होंगी। इसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है एक अमेजिंग बुक में जो कि डॉक्टर रॉबर्ट सियाल्दिनी ने लिखी है, जिसका नाम है इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ पर्सुएजन, जिसे आप चाहें तो गूगल ऐप में फ्री में हिंदी में सुन सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमने सीखा नॉर्मल लाइफस्टाइल एंड बीइंग पार्ट ऑफ ट्राइब, जिसमें हमने अमन गोयल का केस देखा कि कैसे वो सिंपल ही रहना चाहते हैं क्योंकि 1 उन्हें ये लाइफस्टाइल पसंद है, 2 उनके साथ जो लोग हैं वो भी उन्हें उसी तरीके से देखें जैसे वो अपने स्टार्टअप को बेचने से पहले देखते थे। 3rd कॉन्सेप्ट हमने सीखा मैस्लो पिरामिड, जो कि ह्यूमन नीड्स के बारे में बताता है कि कई अमीर लोगों को एक्चुअल में बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि बाकी लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, और वो इसीलिए है क्योंकि वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाले स्टेज में पहुंच चुके हैं। इन शॉर्ट, 2 टाइप के अमीर हैं, दोनों सिंपल ड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, एक अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए और एक खुद को अपने काम से एक्सप्रेस करना चाहता है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ये वाली वीडियो भी जरूर अच्छी लगेगी, इसे जरूर देखिएगा। जय हिंद।